हेलो फ्रेंड्स, टेक बियर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो सीओसी का एक नया अपडेट आया है जो कि स्पोर्ट्स रिलेटेड था और हम बहुत दिनों से इसका वेट कर रहे थे, तो ये अपडेट आपको क्या क्या नया दे रहा है और इसमें क्या क्या नया है वो हम आपको बताने जा रहे हैं और सब किस तरह से आपको खेलना है। तो इसमें सबसे पहले तो कुछ ग्राफिकल चेंजेस है जिसके बारे में आपसे ज़्यादा बात नहीं करूँगा। जो सबसे मेन अपडेट है वो है स्पोर्ट्स रिलेटेड, जो पहले की जो बोर्ड पहले टूटी हुई बोर्ड थी अब उसको हम फ्री में रीबिल्ड करके दूसरी जगह जिसका नाम है बिल्डर बेस वहाँ पर हम इजीली पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पर ये बिल्डर बेस क्या है, तो ये बिल्डर बेस सेम हमारे होम बेस की तरह एक बेस है। यहाँ पर आपको बिल्डर हॉल हॉल मिलेगा जैसे कि जो कि हमारा टाउन हॉल के समान है, और यहाँ पर हमको आर्चर और बारबेरियन वगैरह अनलॉक मिलेंगे। तो इसमें आपको करना क्या होगा, इसमें आपको यहाँ पर जो अटैक दे रहा है, पहले तो आपकी आर्मी ट्रेंड होगी, जो भी जैसा वहाँ होता था आर्मी कैंप वगैरह खरीद कर आपको आर्मी ट्रेंड करनी होगी, रिसर्च सेंटर में बारबेरियन और आर्चर और बाकी जो ट्रूप्स हैं उनके लेवल अनलॉक करने होंगे, और सेम यही एलेक्सर कलेक्टर, गोल्ड कलेक्टर, ये जो सब कुछ है आपको ये सब करना होगा। तो इसमें आपको जेम्स कमाने का ही बहुत सारे मौके हैं। आप जैसा कि देख सकते हैं कि ये जो बिल्डर बेस अचीवमेंट्स है इसमें आपको अलग अलग तरह से ईजिली जेम्स मिल सकते हैं और आप एक और नया बिल्डर होम बेस के लिए अनलॉक कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके बता देता हूँ। यहाँ पर अटैक पर क्लिक किया, पहले हमें अपनी आर्मी ट्रेन करनी होगी जो कि एक मिनट ले रही है, और मैंने अभी दो आर्मी बेस खरीद लिए हैं तो मैं 8 ट्रूप्स ट्रेन कर सकता हूँ और शुरू में आप 4 ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जैसे आप अटैक करेंगे तो आप अलग अलग, जैसे हम उसमें लीग में जाते थे वैसे यहाँ पर भी एक लीग है, 100, 150, 120 ऐसे, तो उसमें आपको लूट मिलेगी। मैं आज की लूट जैसा कि आप देख सकते हैं ख़त्म कर चुका हूँ, ऑल लूट्स 1 for today। अब मुझे नेक्स्ट जो लूट है वो 21 में मिलेगी, अब मुझे सिर्फ ट्रॉफिया प्लस या माइनस होगी। तो अब मैं आपको अटैक करके बता देता हूँ। इसमें आपको अटैक करते समय ध्यान ये रखना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो वही सेम प्रोसेस है आप या तो स्टार्ट ले आइए या ज़्यादा से ज़्यादा उनका बेस उड़ा दीजिए। इसमें लाइव अटैक होगा, जैसे हम पहले अटैक करेंगे उसके बाद सामने वाला भी हाथों हाथ अटैक करेगा। इसमें ऑफलाइन अटैक नहीं होता जैसे पहले, उस बारे में क्या था, पहले हम अटैक करते थे फिर वो दूसरा आता और फिर वो अपना अटैक करता था। इसमें बिल्कुल ही अलग तरीके से, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं कितना परसेंट उड़ाता हूँ उसके ऊपर डिपेंड करता है ये। तो आप देख सकते हैं इसमें डबल मोटर आर्चर टावर और ये खरीद रखा है, तो मैंने इसमें अभी 30% अटैक कर चुका हूँ मैं। तो अब देखते हैं सामने वाला कितना परसेंट अटैक करके मुझे हराता है, जीतता है। अगर मैं हारूंगा तो 2 या 3 ट्रॉफीज माइनस होगी, जो कि शुरू में पहले 1 होती है फिर 2 फिर धीरे धीरे इसी तरह से बढ़ती रहती है। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा अटैक जो हुआ है वो 60% हुआ है, मैंने ओके पर क्लिक किया। अब सामने वाला भी हाथों हाथ अटैक करेगा लेकिन उसका जो रीप्ले है हम उसको अटैक हाथों हाथ देख सकते हैं जब, लेकिन पूरा हो जाएगा उसका भी 60%, लेकिन वो 2 स्टार लाया इसलिए वो जीत चुका है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इसमें आर्मी ऑटोमेटिकली ट्रेन होगी, हमें ट्रेन करने की जरूरत नहीं, बस हम यहाँ पर आर्चर या बारबेरियन ऐसे बदल सकते हैं जो भी हम चाहे, इसको हम बाद में भी बदल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और आपको इस गेम से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी कमेंट या सुझाव हो तो आप ज़रूर नीचे कमेंट कीजिए और हम आपकी यथासंभव हेल्प करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।